हेलो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, आई एम वंश, और आज के वीडियो में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ने वाले हैं। ये बायोलॉजी का चैप्टर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। ये हमारे आसपास बहुत लार्ज नंबर में होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं। हम तालाब का पानी लेंगे, उसकी कुछ ड्रॉप्स को हम ऑब्ज़र्व करेंगे। जब हम इस वाटर ड्रॉप्स को ग्लास लाइट पर रखेंगे और लाइट माइक्रोस्कोप से एग्जामिन करेंगे तो हम देखेंगे बहुत छोटे एक सेल ऑर्गेनिजम्स यहाँ वहाँ घूमते दिखेंगे। अब हम गार्डन से कुछ मॉइस्ट सॉइल लेंगे एक बीकर में, उस बीकर में पानी मिलाएंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब सॉइल नीचे सेट हो जाएगी उसके बाद उसमें से पानी की ड्रॉप लेंगे और उसे माइक्रोस्कोप से ऑब्ज़र्व करेंगे। इसमें भी हम देखेंगे कि छोटे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं। अब हम टूथपिक की हेल्प से टूथ को स्क्रैप करेंगे और इस स्क्रैपिंग को माइक्रोस्कोप से ऑब्ज़र्व करेंगे तो हम देखेंगे इसमें भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मूव कर रहे हैं। यह एक्टिविटी हमें बताती है कि ये जो टाइनी ऑर्गेनिज्म हैं ये पानी में, सॉइल में, यहाँ तक कि हमारी बॉडी में भी रहते हैं। ये इतने छोटे हैं कि हमें ये नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं, और इन ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और इन्हें ही हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। ये ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ पे बहुत असर डालते हैं, ये बीमारी भी पैदा कर सकते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म क्योर भी कर सकते हैं। कुछ हमें खाना प्रोवाइड करते हैं और कुछ हमारे खाने को स्पॉइल करते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, और जो साइंटिस्ट इसकी स्टडी करते हैं उन्हें हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये माइक्रोब्स कहाँ पाए जाते हैं। ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्डी होते हैं और ये किसी भी एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं। डेजर्ट के हॉटेस्ट टेम्परेचर पे, पोलार रीजन के कूलेस्ट टेम्परेचर पर, सी फ्लोर के क्रैक्स पर, और कुछ तो वॉल्केनिक इरप्शन में भी सर्वाइव कर लेते हैं। ये सॉल्ट वाटर में, दलदल में, और यहाँ तक कि हमारी बॉडी में भी पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्ड होते हैं और इनकी हार्ड आउटर कवरिंग को सिस्ट कहते हैं। जब उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, जैसे कि एक्सट्रीम टेम्परेचर, उस टाइम पे ये सिस्ट के अंदर इनएक्टिव रहते हैं और सर्वाइव कर पाते हैं, और फिर जब फेवरेबल कंडीशंस होती है तो वो बाहर आ जाते हैं। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप देख लेते हैं। इनके 5 मेजर ग्रुप होते हैं। पहला है बैक्टीरिया, अगर अकेला होता है तो हम इसको बैक्टीरियम बोलते हैं। नेक्स्ट है एल्गे, अकेला होता है तो इसको हम अल्गा बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ, अकेला होता है तो प्रोटोजोअन। नेक्स्ट है फंगाई या फंगी, अकेला होता है तो हम इसको फंगस बोलते हैं। वायरसेस, अकेला होता है तो हम इसको वायरस बोलते हैं। अब हम बैक्टीरिया देख लेते हैं, जो कि हमारा पहला टाइप है। बैक्टीरिया सिंपल यूनिसेलुलर लिविंग थिंग है। यूनिसेलुलर मतलब कि एक अकेला सेल या सिंगल सेल। ये ऑलमोस्ट हर जगह मिलते हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल में, और दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जिसमें हम ह्यूमन बीइंग्स भी इंक्लूडेड हैं। ये बहुत जल्दी ग्रो होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं। एक बैक्टीरियम 2 बैक्टीरिया में 10 से 30 मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। गार्डन की 1 ग्राम सॉइल में 2 बिलियन 50 मिलियन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, 2 बिलियन
50 मिलियन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। हर एक बैक्टीरियल सेल अकेले रह सकता है, पर ये कंबाइन होके एक ग्रुप या फिर चेन बनाते हैं। बैक्टीरिया 3 डिफरेंट शेप में पाए जाते हैं। अगर वो रॉड शेप्ड हैं तो हम उन्हें बैसिली बोलते हैं, स्फेरिकल हैं तो कोकाए, स्पाइरल हैं तो हम इन्हें स्पिरला बोलते हैं। नेक्स्ट है एल्गे। ये एक सिंपल प्लांट के जैसा ऑर्गेनिज्म है। इनके पास सेल वॉल और क्लोरोफिल होता है। ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब कि सिंगल सेल, और मल्टीसेलुलर इसका मतलब कि बहुत सारे सेल्स। ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। हालांकि इनके पास कोई ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स नहीं होती हैं। ज़्यादातर एल्गी वाटर में रहती है, और कुछ एल्गे स्नो और हॉट स्प्रिंग्स में भी होते हैं। ये मॉइस्ट सॉइल में, ट्रीज के बार्क में, रॉक सरफेस में भी ग्रो होते हैं। पानी में और वेट रॉक के सरफेस पर आपको जो ग्रीन ग्रोथ दिखती है वही एल्गे है। यहाँ आपको कुछ एल्गे के डिफरेंट टाइप्स की पिक्चर्स दिख रही हैं। पहला है स्पायरोगायरा, इसे हम फिलामेंटस एल्गे भी बोलते हैं, क्लामाइडोमोनस। नेक्स्ट है फुगस। नेक्स्ट है लैमिनेरिया। नेक्स्ट है हमारा फंगी। फंगी प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, पर इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि यीस्ट यूनिसेलुलर है और ब्रेड मोल्ड मल्टीसेलुलर है। मशरूम लार्ज मल्टीसेलुलर फंगी है। फंगी अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, इसलिए या तो ये सैप्रोफाइट्स होते हैं या फिर पैरासाइट्स होते हैं। सैप्रोफाइट्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वेस्ट और डेड एनिमल्स को खाते हैं। हालांकि जो फंगी है वो डेजर्ट से लेकर बहुत कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं, पर ये डार्क वार्म और मॉइस्ट प्लेसेस पे ज़्यादा अच्छे से ग्रो होते हैं। आपको यहाँ पे कुछ फंगी के पिक्चर्स दिख रहे होंगे। पहला है पेनिसिलियम, दूसरा है यीस्ट, तीसरा है एगारिकस, चौथा है राइजोपस। अब हम नेक्स्ट वायरसेस देख लेते हैं। वायरस सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनका दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरह सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते हैं। इन्हें देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, जो कि एक ऑब्जेक्ट को 2 लाख टाइम्स बड़ा कर देते हैं। वायरसेस खुद से रिप्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल में एंटर करते हैं तो ये रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। ये होस्ट सेल से एनर्जी लेते हैं। जब थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस फॉर्म हो जाते हैं तो ज़्यादातर होस्ट सेल मर जाते हैं, और ये होस्ट सेल को बर्स्ट कर देते हैं और नए वायरस फैल जाते हैं और दूसरे सेल पर इन्वेड कर देते हैं। जैसे ही बहुत सारे होस्ट सेल मर जाते हैं और पर्सन बीमार बढ़ जाता है। जैसे कि हमें पता है रिप्रोडक्शन एक लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसीलिए साइंटिस्ट ने वायरसेस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में लिंक माना है। जो लिविंग और नॉन लिविंग की डिवाइडिंग लाइन है उस लाइन पर वायरस को प्लेस किया है। अब आपको यहाँ पे कुछ वायरस की पिक्चर दिख रही होंगी। पहला है टोबैको मोजैक वायरस, नेक्स्ट है एडीनो वायरस, थर्ड है इन्फ्लुएंजा वायरस, फोर्थ है बैक्टीरियोफेज। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इनकी एनिमल की तरह कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं। ये अपने खाने को कैप्चर करते हैं और खाते हैं। कुछ प्रोटोजोआ फ्रेश या सॉल्टी वाटर में मिलते हैं, कुछ सोयल में रहते हैं, कुछ प्रोटोजोआ पैरासाइट्स होते हैं। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग। प्रोटोजोआ के कुछ एग्जांपल्स हैं अमीबा, गियार्डिया, पैरामीशियम। यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी प्रोटोजोआ की। पहली है गियार्डिया, दूसरा है अमीबा, एनगल्फिंग मतलब खाना खा रहा है। पैरामीशियम
ट्राइपनोसोमा।